नमस्कार दोस्तों, मैं हूं प्रिया और आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करती हूं आपके अपने चैनल भक्ति मंत्र में। ओम नमः शिवाय। दोस्तों, आज हम बात करेंगे कि वास्तु शास्त्र में झाड़ू का क्या महत्व है, झाड़ू को कब खरीद के लाना चाहिए, अगर झाड़ू पुरानी हो जाए तो कब निकालना चाहिए, झाड़ू को किस स्थान पर रखना चाहिए और झाड़ू के साथ क्या नहीं करना चाहिए। तो दोस्तों, चलिए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, अक्सर आपने सुना होगा घर के बड़े बुजुर्ग कहते हैं कि अंधेरा होने के बाद घर में झाड़ू नहीं लगाना चाहिए। झाड़ू को लक्ष्मी माता का स्वरूप माना जाता है। परिवार के किसी भी सदस्य के बाहर जाते ही तुरंत झाड़ू नहीं लगाना चाहिए। अगर वह कहीं दूर स्थान पर जा रहा है तो उसे मृत्यु तुल्य कष्ट हो सकता है, इसलिए उनके जाने के बाद कम से कम एक या दो घंटे के बाद झाड़ू पोछा करना चाहिए। जो व्यक्ति स्वप्न में नई झाड़ू लेकर अपने आप को खड़ा देखता है तो यह सौभाग्य का प्रतीक होता है। झाड़ू पर पैर रखना अपशगुन माना जाता है। इसका अर्थ ये हुआ कि अगर जो व्यक्ति झाड़ू पे पैर रखता है उससे माता लक्ष्मी रुष्ट हो जाती हैं और उसके घर को त्याग कर वह चली जाती हैं। इसलिए व्यक्ति को झाड़ू का आदर करना चाहिए जो कि ये महालक्ष्मी का स्वरूप है। अगर आप नया घर बनवाते हैं तो उसमें पुराना झाड़ू नहीं ले जाना चाहिए, ये अपशगुन माना जाता है। झाड़ू को हमेशा छिपा कर रखें, ऐसी जगह पर रखें जहाँ से झाड़ू किसी भी व्यक्ति को न दिखाई दे या फिर कोई बाहरी सदस्य उसको न देख पाए। इस बात का हमेशा ध्यान रखें कि झाड़ू को कभी भी घर के बाहर अथवा छत पर नहीं रखना चाहिए, ऐसा करना अशुभ होता है। ऐसा करने से घर में चोरी होने की संभावना बनती है। घर या ऑफिस में जब झाड़ू का इस्तेमाल नहीं होता है तब वहाँ से उसको हटा दें। झाड़ू को अपनी नज़रों के सामने से हटाकर कहीं गुप्त स्थान पर रखें, कहीं ऐसी जगह रखें जहाँ पे झाड़ू पे सबकी निगाह न पड़े। दोस्तों, वास्तु शास्त्र के अनुसार जो व्यक्ति झाड़ू को एक ही स्थान पर रखने की बजाय कहीं भी रख देता है उनके घर में धन का आगमन प्रभावित होता है, इससे उन्हें आर्थिक परेशानियों से गुजरना पड़ता है। देवी लक्ष्मी की कृपा प्राप्त करने के लिए घर के आसपास किसी भी मंदिर में 3 झाड़ू का दान करना चाहिए। दोस्तों, ये परंपरा बहुत ही पुरानी है। पुराने समय में लोग अक्सर मंदिरों में झाड़ू का दान किया करते थे। दोस्तों, मंदिर में झाड़ू सुबह ब्रह्म मुहूर्त में रखना चाहिए। झाड़ू दान करने से घर में दरिद्रता नहीं आता है। ये काम किसी विशेष दिन करना चाहिए और वैसे भी जिन व्यक्ति को चर्म रोग संबंधित समस्या है उनको शिव मंदिर में झाड़ू का दान जरूर करना चाहिए। ऐसा करने से उनकी परेशानियां कम हो जाएंगी। विशेष दिन पे जैसे प्रदोष, त्योहार, शिवरात्रि या फिर ज्योतिष के शुभ योग या फिर शुक्रवार को मंदिर में झाड़ू दान करना चाहिए। इस काम को बिना किसी को बताए गुप्त रूप से करना चाहिए। शास्त्रों में गुप्त दान का विशेष महत्व होता है। जिस दिन आपको झाड़ू का दान करना है उससे एक दिन पहले आप बाजार से 3 झाड़ू खरीद के लाएं और अगले दिन ब्रह्म मुहूर्त में बिना किसी को बताए मंदिर में झाड़ू का दान करें। इससे आपके जीवन में आने वाली समस्याएं कम हो जाएंगी। किसी भी गाय या अन्य जानवर को झाड़ू से नहीं मारना चाहिए, ये बहुत ही अपशगुन होता है। दोस्तों, जहाँ पे हमारी रसोई होती है यानी कि जहाँ पे भोजन पकाया जाता है उसके आसपास झाड़ू नहीं रखा जाता, क्योंकि झाड़ू में लगी धूल मिट्टी के कारण स्वास्थ्य संबंधी परेशानियाँ हो सकती हैं। झाड़ू चाहे नई भी हो, झाड़ू को कभी भी बिस्तर पर नहीं पटकना चाहिए। बिस्तर पर झाड़ू रखना अपशगुन माना जाता है। बिस्तर पर झाड़ू नहीं रखना चाहिए। इस अपशगुन के कारण घर में अलक्ष्मी का निवास होता है, लक्ष्मी माता रुष्ट हो जाती हैं। दोस्तों, अगर आप गौर करें तो इसके पीछे वैज्ञानिक तथ्य भी हैं। झाड़ू से हम साफ सफाई करते हैं और उसमें धूल, कचरा और कई हानिकारक कीटाणु छिपे रहते हैं। दोस्तों, अक्सर लोग पूछते हैं कि हम झाड़ू किस दिन खरीदें, पुरानी झाड़ू का क्या करें, तो चलिए इस बात को भी समझते हैं। अगर आप नई झाड़ू खरीदना चाहते हैं तो आप शनिवार के दिन नई झाड़ू खरीद सकते हैं और पुरानी झाड़ू को उसी दिन घर से बाहर निकाल सकते हैं। शनिवार को घर में नई झाड़ू का उपयोग करना बहुत ही शुभ होता है। झाड़ू को पश्चिम दिशा के किसी कमरे में रखना शुभ होता है, इससे घर में नकारात्मक ऊर्जा नहीं आती।
टूटी फूटी झाड़ू का उपयोग नहीं करना चाहिए। शनिवार को पुरानी झाड़ू बदलना चाहिए। झाड़ू को कभी भी जलाना नहीं चाहिए। घर के मुख्य दरवाजे के पीछे एक छोटी झाड़ू टांग कर रखनी चाहिए। इससे घर में लक्ष्मी की कृपा बनी रहती है। तो दोस्तों, मैं उम्मीद करूंगी आज की ये जानकारी आपको जरूर पसंद आई होगी। आप अपने विचार कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर लें, साथ ही बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलें। दोस्तों, मिलते हैं कुछ और नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए राधे राधे।